नहीं जी आने मेरे चाहते मैं फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ बहुत समय बाद है। आज का हमारा वीडियो है नो योर प्रोडक्ट वीडियो फॉर द प्रोडक्ट सनसिल्क शैम्पू। तो प्रोडक्ट है सनसिल्क आमंड एंड हनी शैम्पू जो कि क्लेम करता है इट इज़ फॉर स्मूथनेस, बालों को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। तो पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट का MRP है 189 रुपीज फॉर द क्वान्टिटी 370 ml, बट ये मुझे डिस्काउंट पर मिला था 57 या 58 रुपीज़ का, और इसे मैंने ख़रीदा था अमेजोन से। पैकेजिंग जो है ऐसी सिंपल सी पैकेजिंग है, कोई ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग नहीं, कोई बॉक्स कुछ नहीं आता, और प्रोडक्ट डिफरेंट लाइक साइजेस में आपको अवेलेबल हो जाता है, और इसका कंडीशनर भी आता है। कंडीशनर मैंने नहीं ख़रीदा। पैकेजिंग इज स्टैम्प्ड विद 7, तो जो पैकेजिंग है वो रिसाइक्लेबल नहीं है, ये आपको डंप ही करनी पड़ेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ इस प्रोडक्ट के साथ, तो मैंने इसे आफ्टर ऑयलिंग भी यूज़ किया, बिना ऑयल के भी किया, कंडीशनर के साथ भी किया दूसरे ब्रांड के, और बिना कंडीशनर के भी प्रोडक्ट को यूज़ किया। तो जैसा ये क्लेम करता है कि दिस वेरियंट इज़ फॉर स्मूथनेस, तो मुझे बालों में इतना एक्सट्रीम स्मूथनेस नहीं लगा, एज इसके की इन्ग्रीडियंट्स जो है वो है हनी और आमंड ऑयल। और फ्रिज वगैरह तो मुझे हल्का सा लगा, बट यस बालों में वो फ्रिज के कारण जो थोड़ा वॉल्यूम था ना भारी भारी से, वो ज़रूर लग रहे थे बाल, बट स्मूदनेस तो बहुत कम था। और कंडीशनर के बाद आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट सिर्फ शैम्पू से स्मूदनेस तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला। प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट के टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं 26, एंड इसे मैंने डिवाइड किया है मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इस शैम्पू के कैटेगरी नंबर 1 में हमारे पास आते हैं 12 इंग्रेडिएंट्स बेस मटेरियल के साथ साथ उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी। तो यस प्रोडक्ट में जो ये 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लीज माइंड इट, ये बेस के लिए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेफ हैं, बट यस अगर आप इनमें से किसी से भी एलर्जिक हैं तो आपको ये प्रोडक्ट अवॉइड ही करना है। और रही बात सल्फेट की, तो सल्फेट बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपके बालों को सूट करता है तो इट्स गुड फॉर यू, नहीं करता है तो आपके बाल ऐसे हो सकते हैं। अब आते हैं इस प्रोडक्ट के कैटेगरी नंबर 2 पर, जिसमें कि हमारे पास आते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स, और यस जैसे कि आप पढ़ सकते हैं पहला इंग्रेडिएंट है सिलिकॉन, सेकेंड इज यूवी प्रोटेक्टेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड वन इज टेक्सचर एनहांसर। तो इसे मैंने इनके इस कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि मोस्टली ये जो इंग्रेडिएंट है ह्यूमंस के लिए तो सेफ है, बट एज सिलिकॉन देखा जाए तो वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और सेम टाइम पे बेंजोफिनोन 4 और बात की जाए लॉरेट 23 की, तो आई एम नॉट श्योर फॉर इट्स इको फ्रेंडली फैक्टर, तो दैट्स वाई मैंने इसे इनके इस कैटेगरी में रखा है। प्रोडक्ट की थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो कि नॉन टॉक्सिन्स है या फिर कार्सिनोजेंस है या फिर सिर्फ हाईली इरिटेंट या फिर लो मैनर में इरिटेंट माने जाते हैं, एंड इनका अगर आप एक्सट्रीम यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, आपको रैशेस वगैरह जैसी चीज़ें हो सकती है, और मेजर केस में तो सबको पता ही क्या हो सकता है कार्सिनोजन कंपाउंड से। तो यस आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके प्रोडक्ट में अगर पैराबेन नहीं है, दैट डजंट मीन कि आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉक्सिन फ्री है, उसमें कुछ हार्श टॉक्सिन्स या फिर इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। लास्ट कैटेगरी में हमारे पास आते हैं फ्रेग्रेंस एंड कलरेंट्स। तो फ्रेग्रेंस आपको मेंशन कर दिए, कलरेंट्स भी आपको मेंशन कर दिए। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि फ्रेग्रेंस सेंसिटिविटी जो है वो सबके लिए अलग अलग होती है, कुछ को थोड़ा फ्रेग्रेंस भी हाई मैनर में नुकसान कर देता है, कुछ को लाइक एक्सट्रीम फ्रेग्रेंस भी कोई नुकसान नहीं करता है क्योंकि वो उनका स्किन जो है या फिर स्कैल्प जो है टॉलरेट कर सकता है उतना फ्रेग्रेंस को। तो यस अगर आपका स्कैल्प जो है वो या फिर आपको फ्रेग्रेंस सेंसिटिविटी है तो यस पैच टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको पता लग सके कि आपको कहीं प्रोडक्ट जो है वो इरिटेट तो नहीं कर रहा है। अब आती है क्लेम्स वेरिफिकेशन की बारी। तो प्रोडक्ट क्लेम करता है आर एक्सक्लूसिव फॉर्मूला विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डीपली नरिशेस योर हेयर मेकिंग इट ब्यूटिफुल स्मूथ एंड सॉफ्ट। नेचुरल 2 इंग्रेडिएंट्स हैं बस, और उसके बाद रही बात सॉफ्ट और स्मूथ बनाने की, तो बहुत कम बनाएगा, बट अगर आपको सल्फेट सूट करता है तो माइट भी आपके लिए काम करें क्योंकि सबका स्कैल्प टाइप, हेयर टाइप और सूटेबिलिटीज की बात की जाए तो अलग होती है, शायद आपके लिए काम कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल काम ना करे, तो
ध्यान रखिएगा. एंड देन दे से के हनी हैज बीन पॉपुलर फॉर सेंचुरीज फॉर इट्स नरिशिंग प्रॉपर्टीज. आमंड ऑयल इज वेल नोन टू गिव स्मूथ एंड सिल्की हेयर. दैट्स इट. उसके बाद बस डायरेक्शन दे रखा है कि यूज कैसे करना है. सो ओवरऑल इन्होंने हनी और आमंड के बेनिफिट्स बता दिए हमें और यस यही बोला है क्लेम्स में. उसके अलावा कुछ नहीं बोला कि हेल्दी रखेगा नहीं रखेगा. नहीं, सिर्फ सॉफ्ट रखेगा, स्मूथ रखेगा और यहाँ पर फ्रिज फ्री और मॉइस्चराइज. फ्रिज फ्री नहीं, फ्रिज प्रोटेक्टेड. तो फ्रिज प्रोटेक्टेड तो नहीं रखेगा. लाइक मेरे लिए तो नहीं रखा, शायद आपके लिए काम कर जाए. मे बी आप कंडीशनर यूज करो तो आपके लिए काम कर जाए, जैसे कि मैंने पहले बोला था. एंड यस, प्रोडक्ट में सल्फेट है तो प्लीज ध्यान रखिएगा. अगर आपको सूट करता है तो ही गो फॉर इट. अदरवाइज आपके बाल फ्रिजी हो सकते हैं या फिर आपको लाइक ब्रेकेज के कारण हेयर फॉल हो सकता है, बिकॉज सल्फेट हर किसी को सूट नहीं करता. प्रोडक्ट में पैराबेन नहीं है, टॉक्सिन जरूर है. एंड यस, सल्फेट और पैराबेन के लिए मेरा लेट्स टॉक अबाउट सीरीज जो है देखना मत भूलेगा. मैंने वहाँ पर एक डिटेल्ड वीडियो सल्फेट और पैराबेन दोनों से रिलेटेड दे रखी है. डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर भी आपको लिंक मैं ऐड कर दूंगी. एंड रही बात प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो आई वोंट रिकमेंड यू बिकॉज मुझे ये कुछ खास लगा नहीं. दिस वॉज माई ओपिनियन फॉर दिस प्रोडक्ट. अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर. जब तक बैन कन्फर्म नहीं होता है तब तक तो यार आप ज्वाइन कर ही लो. एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.